हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के कोटा समाचार में आपका स्वागत है। कोटा रावत भाटा के चर्चित देवा गुजर के मामले में एसआईटी टीम ने सोमवार को मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर को जेल भेज दिया है। मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम की कमान संभाल रहे कोटा एएसपी पारस जैन ने बताया कि देवा गुजर के मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर सहित 7 आरोपियों को सोमवार को रावत भाटा न्यायालय में पेश किया गया था। बाबूलाल गुजर की रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं 6 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी 22 अप्रैल तक रिमांड जाएगी। वहीं परस जैन ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले से 21 लोगों को नामजद किया था। हालांकि अब तक मुख्य आरोपी सहित 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 16 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी की ओर से और भी आरोपियों को नामजद किया गया है, लेकिन उनका नाम और संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी और स्थानीय पुलिस की टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। सो दोस्तों, कोटा देवा गुजर के मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों।